तो गाइस हम लोगों का गाड़ी का जो तेल होता है कभी कभी अचानक से ख़त्म हो जाता है, तो हमको पेट्रोल टंकी तक अपनी बाइक को धक्का देकर ले जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम आपके लिए एक बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट लाए हैं जिसको आप लोकल शॉप से भी सामान लेकर बना सकते हैं और धक्का देने से बच सकते हैं। तो अभी पहले बाइक में जो तेल है इसको हम ख़त्म कर लेते हैं तेल बंद करके, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हम बनाएंगे कैसे और उसका इस्तेमाल करेंगे कैसे। गाइस इसका तेल हमने पहले ही बंद कर दिया था, आप देख सकते हैं कि स्टार्ट नहीं हो रही है किक मारने पर भी। देखिए किक मारने पर भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, हो गया है। हम इसका तेल पूरी तरीके से ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि आवाज़ बहुत एकदम झटका दे देकर गाड़ी चल रही है। तो गाइस अब एकदम खत्म हो चुका है तेल, दिखा दीजिए एकदम बंद है। तो हम अब अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और लगाते हैं और फिर इस्तेमाल करके दिखाते हैं। हमारा सामान नहीं तो देख सकते हैं, ये लाइटर है और ये सिरिंज है, सिरिंज का ये निडिल जिसको हमने पहले ही पिघला कर निकाल लिया है। इसको देख सकते हैं सामान क्या क्या है, और एक फेविकी लगेगा 5 रुपए का। तो अब आइए हम इसको पहले बनाते हैं और उसके बाद फिर चला कर दिखाते हैं आपको। पहले इसको निकाल लेंगे, इसका काम नहीं है, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी और इसको भी। और इसमें एक स्प्रिंग रहता है जिसको हमने पहले ही निकाल लिया है, वो अलग वाले लाइटर में हम दिखा सकते हैं कि वो स्प्रिंग कैसा रहता है। इसको हमने इस्तेमाल किया है इसलिए देख सकते हैं इसमें तेल भी काफ़ी कम हो चुका है, इसीलिए इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आप न्यू लेंगे तो उसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहता है। देखिए इसमें स्प्रिंग दिख रहा है साफ साफ, और इसमें स्प्रिंग हमने तोड़कर पहले ही निकाल दिया था, इसका भी निकाल देते हैं। देखिए स्प्रिंग निकाल दिए हैं, स्प्रिंग को हमने फेंक दिया है। अब ये निडिल है, निडिल को हमने जब गर्म करके निकाल रहे थे तो इसमें एक तार डाल दिए थे ताकि हमारा छेद बरकरार रहे। इस तार को निकाल लेंगे पहले, आराम से निकल गया। अब जिसमें ज़्यादा तेल है पहले हम उसी को लगाएंगे, इसमें ज़्यादा तेल है। इस तरीके से आराम से इसको डालकर और उसके बाद इसको हम फेविकी से चिपका देंगे। तो गाइस इसका ये निडिल देख सकते हैं, इसको इसमें हम ऐसे लगा देंगे और इसके बाद ये फेविकी को ऐसे तोड़कर इसको पूरा दबा देंगे और हल्का सा, इस पर ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा लगा देंगे। एक हमारा एक रेडी हो चुका है, इसको हम इधर रखते हैं। और एक ये है, तो इसमें थोड़ा सा अभी एक निडिल है, जो एक निडिल इसमें है। निडिल को पहले देख सकते हैं, इसमें सफ़ेद कलर का अभी भी लगा है, इसको पहले हम जला कर साफ़ कर लेंगे। ये पूरी तरीके साफ हो चुका है, अब इसको इसमें लगा रहे हैं, उसके बाद फेविकी लगा रहे हैं, हटा देंगे इसको। ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अब चिपक चुका है, ये भी देख सकते हैं। अब इसको हम पहले चेक कर लेते हैं ये सही बना है कि नहीं। इसके लिए हमको ये देख सकते हैं जो निकाले थे इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये इसमें लगता है,
इसको उठाने के लिए, ऐसे ये स्पार्क करने के लिए इसका, देख सकते हैं इसकी लौ ज़्यादा तेज करने पर बुझ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई इसको उठी के नहीं है। फिर से जला रहे हैं इसको। गैस ये काफ़ी टाइट है, देख सकते हैं जल गया है। अब इसकी लौ को बढ़ाएंगे तो गैस अगर तेज़ी से प्रेशर फेंकेगा तो ये बुझ जा रहा है बार बार, देख सकते हैं हल्का हल्का गैस आ रहा है, तो अभी जल रही है, ज़्यादा गैस बढ़ाने पर बुझ जा रहा है। तो हम इसको बुझा लेते हैं और इसको नीचे जहाँ लगाते हैं पहले वहाँ बताएंगे। देख सकते हैं बुझ गया है। अब इसको हम नीचे एयर वाली पाइप जो होती है उसमें लगाएंगे और उसके चलाएंगे ये नीचे वाली एयर। तो गाइस इसमें ये लोहे का जो लगा है इसको इस तरीके से बैठा लेंगे और टेप की मदद से इसको पहले इसको चिपका लेंगे और इसको पूरी तरीके से इसे दबा देंगे, दबा कर चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको अब इसमें हम धंसा लेंगे। एक हमने धंसा दिया है, चोक बंद कर देंगे ओवरफ्लो ना हो ताकि, और फिर दूसरे वाले को भी उसी तरीके से हम लगा लेते हैं फटाफट। ये फटाफट इसको दबा लेते हैं। हो चुका है। अब इसको भी इसके ऊपर इसी यहीं पर धसा देते हैं। दोनों घुस चुका है, चोक बंद कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पर दिखा दो, देखिए यहाँ पर बंद है। फिर से स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो कट होने के लिए सॉरी, जिस मोबाइल से शूट हो रहा था उसी पर फोन आ गया है। तो गाइस फिर से स्टार्ट हो चुका है और पीछे बैठो बैठो बैठो, इसको हम लोग चला कर चेक कर दें, देखते कहां तक जाता है। गाइस इसका चोक हमने बंद किया था, चोक पर चेक कर लेते हैं। आगे देखते हैं कहां तक जाता है। हमने दो लाइटर एक साथ लगाया था, रास्ता थोड़ा खराब है।
काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है, लगभग ठंडी का समय चल रहा है। तो गाइस एकदम बराबर चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा झटका आने लगा है। देखिए फिर से झटका दे रहा है, झटका देना अब शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आप पूरी तरीके से झटका देकर चल रही है, इंजन भी आप तेल खत्म होने वाला आवाज दे रहा है। बाइक छोड़ने पर बंद हो जा रहा है, फिर से चल दे रहा है। गाइस झटका देकर ही चल रहा है, लेकिन हमने लगभग 900 मीटर से ज़्यादा चला लिया इसको। क्लच छोड़ने पर तुरंत बंद हो जा रहा है। फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। गाइस होकर बंद हो गया। स्टार्ट हो रहा है, बंद हो जा रहा है, इसको हम चोक ऑन करते हैं इसका। गाइस इसमें भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि चोक के पीछे हमने लगाया इसको, चौक हम लोगों का यहीं तक होता है, इधर हमने पीछे लगाया इसको, इसलिए नहीं होगा। फिर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बंद हो जा रहा है, देख सकते हैं। अब इसका हम तेल देखने की कोशिश करते हैं, इधर लाइएगा, लाइटर में तेल कितना बचा है। लगभग दोनों में ख़त्म हो चुका है। देख सकते हैं इसमें एकदम तेल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और इसमें देखते हैं, इसमें भी ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं। और इसका एक नीडल अभी इसी में रह गया है, इधर दिखाएगा, यहाँ पर है, इसको हम पहले निकालते हैं। गाइस निकल नहीं रहा है, पहले इसको हम कपड़ा से बाद में निकालेंगे, कपड़े से पकड़ कर खींचेंगे निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी दूर तक इसको चलाया है, लगभग एक किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका चलाए हुए। ये दोनों तो ख़त्म हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको फेंक देते हैं। इसका सुई पहले टेढ़ कर देंगे, नहीं तो किसी को धंस भी सकता है। तो अब हम देखिए इसको तेल ऑन करके फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले तेल ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से, तो थोड़ी देर पहले इसको तेल पास होने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ही तो मत भूलना यारो। तो गाइस अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तेल ऑन करने के बाद भी दिखा सकते हैं कि हमने वीडियो कट नहीं हुआ है, अभी भी तेल कब से ऑन किए हैं लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है।
स्टार्ट होकर बंद हो जा रहा है। तेल दिखा दीजिए अभी भी कितना इसमें है, देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में जब कार्बोरेटर में तेल आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तब तक हम इंतजार करते हैं। गाइस काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है, अब हम लोगों को टाइम ज़्यादा लग गया है सामान रेडी करने में। अब चौप में स्टार्ट करके चलते हैं, शायद अब स्टार्ट हो जाए।